हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक से किस तरह से एमएस वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट करते हैं। पहले इस डॉक्यूमेंट को बनाइए, उसके बाद रिव्यू रिबन में क्लिक करके रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग ऑप्शन में क्लिक कीजिए। यहाँ अलाउ ओनली दिस टाइप एडिटिंग में चेकबॉक्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे जो येस स्टार्ट एंड फॉर्मेट प्रोटेक्शन ऑप्शन दिख रहा है वहाँ क्लिक करना है। एंटर न्यू पासवर्ड बॉक्स यहाँ आ जाएगा, यहाँ आपको उस पासवर्ड देना है जो लिख कर आप इसे प्रोटेक्शन करना चाहेंगे। मैंने यहाँ पर 3 को पासवर्ड दे दिया है, नीचे वही पासवर्ड लिखेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद जब इस डॉक्यूमेंट को हम चेंज करना चाहेंगे, जैसे कि सिलेक्ट करके इसे काट करना चाहते हैं तो काट नहीं होगा। अगर इसे हम सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट करना चाहेंगे तब भी यह नहीं होगा। अगर इसके साइज को हम बड़ा छोटा करना चाहेंगे तो होम में जाते ही वो सारे ऑप्शन हाइड हो जाएगा। इस तरह से पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट ऑर्डर करते हैं। सारे डॉक्यूमेंट पोर्ट्रेट हो जाएगा, आप यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आपको यह पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट प्रोसेस को अनलॉक करना है तो इसके लिए आपको नीचे स्टॉप प्रोटेक्शन में क्लिक करना होगा। तब पासवर्ड दिखेगा, यहाँ आपको वही पासवर्ड देना है जो पहले दिए थे और उसके बाद ओके कर दीजिए, तब यह प्रोटेक्शन हट जाएगा। प्रोटेक्शन हटाने के बाद आप किसी भी लाइन को राइट क्लिक करके काट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि इसको साइज छोटा बड़ा करना, उसे कलर देना, ये सारे काम कर सकते हैं। ये सब काम आप पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट हटा कर सकते हैं। दोस्तों, ये पोर्ट्रेट डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए, दूसरे को देखने के लिए उत्साहित करते रहिए। तब तक के लिए नए वीडियो लेकर फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।